बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बायो के चैप्टर 15 के सेकंड ईयर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ये सब शॉर्ट है, इसमें कुछ भी लॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये लास्ट टाइम पास्ट पेपर्स में ये एक ही दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ रावलपिंडी बोर्ड में, ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स का टेरेस्ट्रियल का आया हुआ है कि टेरेस्ट्रियल का बताएं, ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट का बताएं। सो ये क्वेश्चन एक ही दफ़ा आया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपसे किसी भी एक का पूछ सकते हैं, या तो मैरीन का पूछ लेंगे या टेरेस्ट्रियल का पूछ लेंगे, ये दो ही हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर तो इतना ज़्यादा लंबा नहीं है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाए। तो ये एक दफ़ा आया हुआ लॉन्ग, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आया तो हुआ है एक दफ़ा। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी लॉन्ग क्वेश्चन है और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सक्रीशन इन एनिमल में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि यूरिया साइकिल का बताएं, या इस तरह यूरिया साइकिल को ही ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और ये एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ये दोनों बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो इनके अगर पॉइंट्स बना के याद करेंगे गाइड में, शायद अगर आप किसी में देखें तो पॉइंट्स में ही यानी बने हुए आपको मिलेंगे। तो मैंने तो खैर गाइड से याद नहीं किया था, मैंने खुद ही पॉइंट्स बना बना के याद किया था, बुक से ही याद किया था, क्योंकि गाइड में अक्सर ये होता है कि कहानियाँ लिखी हुई होती हैं, जो टू द पॉइंट बात होती है वो थोड़ी देर बाद वो देते हैं। तो अगर आप बुक से करते हैं पॉइंट्स बना बना के, तो आपको ज़्यादा ईजी नहीं हो जाएगा? मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस तो हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, क्योंकि ये पैराग्राफ की फॉर्म में, तो अगर आप इसे समझ के करेंगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट ये आ जाता है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। इसमें से ना कोई भी आ सकता है, अर्थ फॉर्म आ सकता है, प्लेनेरिया आ सकता है, ठीक है, इसमें से कोई एक आ सकता है। और ये इम्पोर्टेंट है और आता भी है, पांच पेपर्स में रिपीटेड है, यानी अर्थ फॉर्म भी आया हुआ है, प्लेनेरिया भी आया हुआ है, प्लेनेरिया ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक दे सकते हैं, कॉकरोच का भी दे सकते हैं। एक आपने एक्सक्रीशन वाला लाजमी याद करना है, कॉकरोच का याद कर लें, प्लेनेरिया का याद कर लें, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक्सक्रीशन वर्टिब्रेट्स, इसको छोड़ दें, ठीक है, एक्सक्रीशन ह्यूमन, ये इसको भी, लेकिन ये लिवर वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिवर वाले में अगर आप देखें तो इसमें नीचे फंक्शंस भी आ सकते हैं और ये पूरा आ सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ लिवर। तो इसमें आप नीचे टेबल भी, टेबल वाले पॉइंट्स भी लिखेंगे और ऊपर वाले पॉइंट्स भी लिखेंगे। और अगर आप एक दफ़ा इसे याद कर लें, पढ़ लें, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लग रहा है और जितना कॉम्प्लेक्स किस्म का ये लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, यूरिनरी सिस्टम। इसमें नेफ्रॉन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पास्ट पेपर्स में, गेस्ट पेपर्स में, हर हर उसमें पेपर में ये लाजमी उन्होंने डाला हुआ है, गेस्ट में भी डाला हुआ है ये नेफ्रॉन, राइट एंड ऑर्डर नेफ्रॉन। और ये अगर आप देखें तो ये स्टेप वाइज सारा प्रोसेस चलता है, ये जितना भी यूरिन फॉर्मेशन है ये सारा। तो अगर आप इसे स्टेप वाइज याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। राइट एनोटोन नेफ्रॉन या राइट एनोटोन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, किडनी के और लंग प्रॉब्लम्स अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप एक दफ़ा वैसे इसको जस्ट रीड भी कर लें, तो फिर भी आप लॉन्ग में इस काबिल हो सकते हैं कि आप कुछ लिख सकें, ठीक है। हाँ ये आ सकता है राइट नोट ऑन डायलिसिस, ठीक है, तो उसमें ये भी ईजी है, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, ये बस समझने की चीज़ें। अगर आप एक दफ़ा समझ लें, कॉन्सेप्ट आ जाए आपको, आ जाए चीज़ें, तो फिर आप अपने वर्डिंग में भी लिख लेंगे, तो नो इशू। बस यही थे लॉन्ग क्वेश्चन, और तो इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये और इसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग कोई भी नहीं है, बस एक्सक्रीशन वाले थे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्लांट्स, एनिमल, अर्थ फॉर्म, कॉकरोच, एक लिवर वाला और एक नेफ्रॉन वाला, बस। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट्स, इसमें देख लेते हैं। ये है चैप्टर 16 हमारी बायोलॉजी की बुक का, और ये सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
इसमें अच्छा ये शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें इसमें कितनी ज़्यादा डेफिनेशंस आ रही हैं, सेकेंडरी ग्रोथ की है, फिर इसमें हार्टवुड या सैपवुड की डेफिनेशन है, फिर ग्रोथ रिंग की डेफिनेशन है, ठीक है, फिर वैस्कुलर कैम्बियम, ये सारी इसमें डेफिनेशन भी आ सकती हैं। तो अगर आप इसको ऐसा शॉर्ट याद करते हैं ना, फिर भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग भी आपका खुद ब खुद ही हो जाएगा। बस कुछ लाइनें लॉन्ग में जो है वो मिसिंग है, यानी कुछ लाइनें जब शॉर्ट में याद करेंगे तो फिर लॉन्ग में कुछ लाइनें आपको इजाफी याद करनी पड़ेंगी, लेकिन ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये इसमें आ सकता है क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अच्छा इस चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा ये कहते हैं ये जो दो स्पेशली लॉन्ग है बहुत ईजी है, क्योंकि ये तो सिंपल डेफिनेशन भी आपने फोटोडक्टिव मूवमेंट की, स्लीप मूवमेंट की, ऐसे भी डेफिनेशन याद की होगी शॉर्ट के हवाले से भी, तो जब आप लॉन्ग में करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये कह सकते हैं कि राइट नोट ऑन ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स या राइट नोट ऑन पैराटोनिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो जब ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स का कहेंगे तो आपने टैक्टिक मूवमेंट लाजमी करना है, फिर ट्रिगर मूवमेंट और फिर ग्रोथ मूवमेंट, यानी इसके तीनों पार्ट्स, तीनों इसके टाइप्स आपने लिखनी है, ठीक है। या आपको ऑटोनॉमिक देंगे या आपको पैराटोनिक देंगे, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि टैक्टिक मूवमेंट लिखो या ट्रिगर मूवमेंट, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। आपको एक टाइप देंगे और फिर उस टाइप के आपने फर्दर डिस्कस करने होंगे पार्ट्स, ठीक है, जैसे ये पैराटोनिक मूवमेंट है। आगे इसमें आप वैसे तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अगर आप एहतियातन याद करना चाहते हैं लॉन्ग के हवाले से तो आप बेशक याद कर लें, लेकिन अगर आपने छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। ये शॉर्ट के लिए आप याद कर सकते हैं कि जस्ट हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सारे को आप रीड कर लें, ताकि अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है तो आप बीच में इसका आंसर दे सकें। इसके अलावा अगर डेफिनेशन आ जाती है साथ ही सी यानी मून की और अर्थ फॉर्म की एग्जाम्पल है तो साथ आप दो एग्जाम्पल दे सकें। अगर नहीं करना चाहते हो जस्ट इसको शॉर्ट में कर लें। एक्सोस्केलेटन आप जो है ना लॉन्ग में करें, लाजमी याद करें, ठीक है। एक्सोस्केलेटन के आप पॉइंट्स वगैरह बना के तो आप लॉन्ग में करें। अच्छा ये एडलाइसिस के फोर स्टेजेस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। बाकी एंडोस्केलेटन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बोन और कार्टिलेज का ही आ जाता है। अगर करना चाहते हैं तो कर लें एहतियातन, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो ये ऐसे रिपीटेड नहीं है इतना पार्ट पेपर्स में। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से वर्टिब्रल कॉलम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग ऐसे इसको रट्टा लगा रहे होते हैं। ये आप लॉन्ग के हवाले से याद ना करें, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से कि कितनी वर्टिब्रे होती हैं और कहते हैं लुम्बर रीजन में कितनी होती हैं, ठीक है, ये इस तरह से ना इनकी जितनी नंबर ऑफ रिब्स हैं और ये इनके ना एमसीक्यूज़ में आ सकता है, और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। जॉइंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जॉइंट्स, इसमें टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फाइबरस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, सिनोवियल जॉइंट्स, हाइंग जॉइंट, बालन सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये जॉइंट्स एक तो ईजी है टाइप्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हेडिंग्स होती हैं ना, इनको याद करना ईजी होता है, जो पैराग्राफ की शक्ल में होते हैं इनको थोड़ा याद करना मुश्किल होता है। तो अगर आप ये टाइप्स करते हैं ना तो ये भी ईजी है। अच्छा डिफॉर्मिटीज जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम पेपर में ये आया हुआ था, इन्होंने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ था कि कोई इस तरह की यानी डिजीज़ बताएं जो जेनेटिक की वजह से हो, या कोई इस तरह की डिजीज़ बताएं जो हार्मोनल की, यानी वो डायरेक्ट लेफ्ट प्लेट नहीं बोलेंगे या डायरेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस नहीं बोलेंगे, आर्थराइटिस नहीं बोलेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कहेंगे कि हार्मोनल कॉजेज़ की वजह से जो डिजीज़ होती है वो बताएँ उसके बारे में। तो आपको ये ना ये याद रखना पड़ेगा कि ये जेनेटिक कॉजेज की वजह से थी, ये हार्मोनल कॉजेज की वजह से थी, ठीक है, ये न्यूट्रिशनल कॉजेज की वजह से थी, ठीक है। ये लॉन्ग में सच इतना आता नहीं है वैसे, लेकिन आपको रीड लाजमी करना, ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल छोड़ दें। शॉर्ट के लिए हवाले से ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें छोटी छोटी देखें रिकेट्स है, हर्निएशन है, ठीक है, ये आर्थराइटिस, शाटिका, स्पोंडिलोसिस, ठीक है, स्पोंडिलोसिस, ये सारे इम्पोर्टेंट यानी शॉर्ट के हवाले से, छोटी छोटी ऑस्टियोमेलेशिया,
ये सारे शॉर्ट के हवाले से हैं। ठीक है, फिर आज आगे आ जाता है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी इस चैप्टर में जो मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये गेस्ट पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में ये भी आया हुआ है। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है, हेमाटोमा फॉर्मेशन, कैलस। अच्छा, ये शॉर्ट के हवाले से भी इसमें आ सकता है कि व्हाट इज़ रीमॉडलिंग। ठीक है, ये व्हाट इज़ कैलस फॉर्मेशन, ये शॉर्ट में इस तरह से आता है, और लॉन्ग में भी ये पूरा आता ही नहीं, राइट एंड ऑटो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। फिर ये स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, ये इतना ख़ास नहीं है लॉन्ग के लिए। हाँ, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्केलेटल मसल्स के लिए जो दोनों है ना, ये आ सकता है राइट एंड मसल फाइबर, ये आया हुआ था पार्ट्स पेपर में। तो इसमें मसल फाइबर वाले में स्केलेटल मसल फाइबर ये फर्स्ट वाला लिखेंगे। ठीक है, और अगर इन्होंने पूरा कहा तो राइट एंड स्केलेटल मसल, तो फिर तो ऑब्वियसली पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मसल्स वाले ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे एक स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक है, तो इसमें जब आप लिखेंगे तो आपने नीचे भी लिखना है हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर बस एक तो थ्योरी लिखी हुई है ऊपर से कि ये किस किस ने यानी डिस्कवर की थी, इतना कोई ख़ास नहीं लिखा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दी हुई। तो आपने नीचे भी लिखना है, यानी जो लिखा हुआ है हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, ये भी आपने, ये सारा आएगा लॉन्ग में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बेशक ना करें कंट्रोलिंग द एक्टिंग मायोसिन, और ये बेशक ना करें लॉन्ग के लिए। ठीक है, ये डिजीज आप बेशक याद कर लें, ये शॉर्ट के वाले से इम्पोर्टेंट है। ये आपने लाजमी याद करना है, लोकोमोशन इन पैरामिसलियम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, बाकी अमोइबा वगैरह को सारों को छोड़ दें, क्योंकि ये फिर लॉन्ग में आ ही नहीं सकते ना, आते वैसे तो आए भी नहीं है पास्ट पेपर्स में, लेकिन ये शॉर्ट हैं इतने कि लॉन्ग के मतलब उनके मार्क्स के हवाले से लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। ये भी आप बेशक छोड़ दें, इतना कुछ ख़ास नहीं है, आगे भी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो इतना लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये भी आप बेशक छोड़ दें। एवोल्यूशनरी चेंजिंग इन अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रे, ये भी आप बेशक छोड़ दें, इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है। बस आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल वाला, और बाकी जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं ये आपने लाजमी करने हैं, बाकी आप चैप्टर को बेशक छोड़ दें। और ये जो येलो बॉक्सेस होते हैं ना, इनको आप लाजमी रीड क्या करें, बाज़ात यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हो, जैसे ये सैक्रो प्लाज्मिक रेटिकुलम की है, तो अक्सर ध्यान नहीं जाता हमारा यहाँ पर, लेकिन आपने शॉर्ट के हवाले से बाज़ात वो यहाँ से भी दे देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो मेरी वीडियो, तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मैं इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी इंटर लेवल के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।